शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत मेहंदी बाग के समीप किराए पर रहने वाली एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पियर बख्श ने पति पर शराब पीकर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार शहर के करौली कुंड निवासी अर्जुन सिंह की पुत्री निशा कोहली का विवाह 1.5 वर्ष पूर्व अखेपुरा निवासी घनश्याम कोहली के साथ किया गया था। शादी के बाद घनश्याम अपनी पत्नी निशा के साथ घर छोड़कर किराए के मकान में मेहंदी बाग में रहने लगा। मंगलवार सुबह अचानक जब घर पर कोई नहीं था तो निशा ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कोतवाली थाने की सब इंस्पेक्टर सुशीला मीणा ने बताया कि अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। सूचना मिली कि निशा डॉटर ऑफ अर्जुन सिंह जाति कोड़ी निवासी करौली कुंड ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपने कमरे में इस सूचना पर हॉस्पिटल में एडमिट है। इस सूचना पर मैं और मेरे साथ जाप्ते लेकर रवाना हुए सुनील नर्सिंग होम में हमने जाकर डेड बॉडी को लिया तो डॉक्टरों ने वहाँ मृत घोषित कर दिया। डेड बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी अलवर में रखवाई गई है और परिजन उसके रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट पे जो भी रिपोर्ट देंगे उस पर कार्रवाई होगी। प्रथम दृष्टया अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा। ये रात को आया था, रात को आया और खाना बना, खाना मिल गया, आवाज़ दे के बाहर से और निशा को दे के चले गया। अब उसके बाद में मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुबह हमारा लड़का छोटा वाला गया था, फिर वो आया था लौट के तो पापा पापा लोग निशा ख़त्म हो चुकी है वहाँ से लगा ली। हमने को पता नहीं, मैंने विश्वास नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ सही बताए, मैंने कहना पापा ना मर गए निशा वहाँ से मिल खाए हॉस्पिटल के, फिर हम डायरेक्ट लिए हॉस्पिटल पहुँचे और देखे तो इंक्वायरी करी तो वहाँ पता लगा निशा। क्या पहले भी मारपीट करी गई? हाँ पहले मारपीट करी थी। तो क्या शक है आपको? शक यही है कि ये रोजाना 10 रुपये का आता है, 10-11 वगैरह उससे परेशान हो गए। परेशान हो